गाइस सिंफेस ट्रेलर दोबारा आ गया एक नई वीडियो लेके, जिसमें कि आज हम आपको तीन इफेक्टिव स्किल के बारे में बताएंगे जो कि आप मैच में कर सकते हो बहुत आसानी से। तो गाइस बात करते हैं पहली स्किल की, जिसका नाम है स्टेप ओवर फेंट। इस स्किल में करना क्या है, पहले तो आपको इनर स्टेप ओवर करना है। जैसे कि रोनाल्डो आउटर स्टेप ओवर ज्यादा करता है, तो आपको आउटर नहीं करना, एक ही बारी इनर स्टेप ओवर करना है स्ट्रॉन्ग फुट से। उसके बाद अपने स्ट्रॉन्ग फुट के आउटर पोजिशन से बॉल को ऑपोजिट साइड लेके चल जाना, जैसे हम वीडियो में कर रहे हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव स्किल है, बहुत अच्छी स्किल्स है, आप मैच में यूज करते हो तो बहुत ही आसानी से बंदे को काट लोगे। तो गाइस बात करते हैं सेकंड स्किल की, जिसका नाम है इनसाइड इलास्टिको। ये स्किल बहुत ही अच्छी है, अगर आपके ऊपर डिफेंडर कोई रश कर रहा है तो आप उसको बहुत आसानी से काट सकते हो अगर ये आपने स्किल कर ली। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग फुट का इनर पोर्शन यूज करना है और आउटर पोर्शन यूज करना है। पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले आपको इनर पोर्शन से बॉल को थोड़ा लेफ्ट साइड ड्रैग करना है, फिर आउटर पोर्शन से राइट साइड ड्रैग करना है बिना पैर नीचे लगाए। बंदे क्या गलती करते हैं, जैसे ही पैर को लेफ्ट साइड से ड्रैग करा, स्ट्रॉन्ग फुट के इनर पोर्शन का यूज करके लेफ्ट साइड ड्रैग करा, तो बंदा पैर नीचे लगा के फिर राइट साइड लेके जा रहा है। आपको ये करना इलास्टिको में, जैसे एक ही फ्लो में जाता है इलास्टिको में, वैसे ही इनसाइड इलास्टिको में एक ही फ्लो में लेफ्ट राइट जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं थर्ड स्किल की, जिसका नाम है पुल बैक स्किल। इसमें आपको दो बारी वी बनाना है, पहला वी अपने बॉडी के पीछे से बनाना है, दूसरा वी बॉडी के बिल्कुल नीचे से। तो इसको करना क्या है, पहले वी को अपने ऐसे बनाना है जैसे कि मैं वीडियो में कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब आप सेकेंड वी बनाओगे तो रिवर्स करना है, पहला भी ऐसे दूसरा भी ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिफेंडर फेक में आ जाएगा, उसको लगेगा आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो, लेकिन आप उल्टा कर दोगे लेफ्ट से राइट चले जाओगे, जैसे कि डिफेंडर फेक में आ जाएगा। तो ऐसे फेक में लाओगे तो दो तीन डिफेंडर आराम से काट सकते हो अगर आपने ये स्किल परफेक्ट कर ली और फास्टली कर ली। गाइस स्किल 1, 2 और 3 में तीनों में बॉडी फेंट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रो टिप है जिसमें कि आपको बॉडी फेंट बहुत ज़्यादा यूज करना है, क्योंकि जैसे ही आप बॉडी को वॉलेटाइल बनाओगे, इतनी आसानी से फ्लेक्सिबल बनाओगे और मूव करोगे, डिफेंडर उतना ही ज़्यादा फेक में आएगा, वरना बहुत मुश्किल से आएगा, वरना आपको मार देगा, मतलब पैर को मार देगा, बस यही होगा। सो गाइस कैसी लगी ये तीनों स्किल्स, कमेंट में फटाफट बताओ, और आपके इनमें से कौन सी फेवरेट स्किल है और आप कौन सी अच्छी तरह कर पा रहे हो मेरे को ये कमेंट में बताओ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि वीडियो जल्द से जल्द बहुत सारी आने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, ध्यान रखना फैमिली का।